नमस्कार दोस्तों, ऑटोस्कोप कार्स में आपका स्वागत है। आज हमारे पास पुराना मॉडल स्विफ्ट आया है, तो उसको हमने फुल पेंट, साथ ही साथ इंटीरियर उसका चेंज किया है, 16 इंच अलॉय व्हील डाल दिए है, और पेंट का प्रोसेस कैसा है, उसके बाद सिरेमिक कैसे किया, वो ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप आपको मैं दिखाऊंगा। तो चलो देखते हैं प्रोसेस हुआ कैसे। देख सकते हो स्विफ्ट गाड़ी, चारों ओर से व्यू करके दिखा रहा हूं आपको। इसके दोनों बम्पर डैमेज है, एज पैनल पे थोड़ा थोड़ा कई कई जगह पे रस्टिंग है। उसके बाद गाड़ी का हम रिमूव करेंगे, पहले उसका बम्पर निकालेंगे, आगे पीछे के बम्पर निकालेंगे। उसके बाद हेडलाइट्स निकाल दिए, पीछे का बम्पर निकाल दिए, टेल लाइट्स वगैरह निकाल दिए। उसके बाद इंटीरियर जो पैनल्स हैं, डोर ट्रिम, सीट्स सब रिमूव कर लिए। उसके बाद गाड़ी प्रॉपर स्प्रे वॉश को डाल दिए, ताकि पता चले गाड़ी में और कितना काम है, काम करना है, किधर रस्टिंग है, किधर क्रैक है, वो सब इंस्पेक्शन के लिए गाड़ी प्रॉपर वॉश किया। उसके बाद गाड़ी ग्राइंडिंग करके देखा जहाँ पर डाउट्स थे। उसके बाद डेंट पुलर से उसके डेंट रिमूव कर लिए, मैनुअल हाथ से भी डेंट रिमूव कर लिए। उसके बाद पुट्टी वर्क, फिलर वर्क कर लिए, उसको ग्राइंडिंग किए, सैंडिंग किए। सैंडिंग के बाद फिलर वर्क किया, फिलर वर्क होते ही गाड़ी फिर से एक बार रिमूव किया उसके डोर पैनल्स वगैरह, ताकि कलर अच्छा सा बैठ सके। पूरा फिटिंग निकलने के बाद गाड़ी अंडरबॉडी कोटिंग कर लिया, एंटी रस्ट कोटिंग। उसके बाद गाड़ी पेंट बूथ में लेके आए, पेंट बूथ में डालने के बाद गाड़ी में प्रॉपर चारों ओर से मास्किंग कर लिया, ताकि पेंट और पार्ट्स पे ना उड़े। पूरी तरह से चारों ओर से उसका मास्किंग टेपिंग होने के बाद गाड़ी का कलर फॉर्मूला हमने बना लिया, मारुति का पर्ल व्हाइट। उसके बाद गाड़ी पे बेस कोट अप्लाई किया, प्रॉपर फुल बॉडी पे बेस कोट अप्लाई करने के बाद पर्ल कोट अप्लाई किया। पर्ल कोट पूरा एप्लीकेशन होने के बाद गाड़ी बेकिंग कर लिया, बेकिंग के बाद निकाल दिया पेंट बूथ से बाहर। देख सकते हो अब गाड़ी बाहर आने के बाद बिल्कुल नया गाड़ी लग रहा है। उसके बाद जो गाड़ी के पैनल्स खोले थे, डोर्स, बोनेट, डिक्की, ये सब रिमूव करके पेंट किया, ताकि कहां पे भी कलर ना छूटे। पूरा पेंट होने के बाद पैनल्स बेकिंग को छोड़ दिए। पूरी तरह से बेकिंग होने के बाद डोर्स हैंडल वगैरह वो भी पेंट कर लिए। गाड़ी लिया फिटिंग को, जितने भी खोले हुए पार्ट थे सब हमने वन बाय वन फिक्स कर लिए। सभी कार बॉडी पार्ट फिक्स करने के बाद हमने गाड़ी फिर से एक बार इंस्पेक्शन कर ली। उसके बाद हमें एज पर कस्टमर डिमांड रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंटीरियर चेंज करना था। एंड्रॉइड ऑटोगम म्यूजिक सिस्टम हमने इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद JBL के स्पीकर अच्छे वाले उसमें इंस्टॉल कर लिए। उसके बाद इंटीरियर जो सीट से वो पूरे सीट कवर हमने रिमूव कर लिए। रिमूव करने के बाद नापा प्यू लेदर का डायमंड कट फिनिश सीट कवर हमने इंस्टॉल किए। इंस्टॉल करने के बाद पूरा स्टिचिंग होने के बाद हमने गाड़ी पूरा फिटिंग किया इंटीरियर। फिटिंग करने के बाद गाड़ी फिर से एक बार इंस्पेक्शन किया, वेरीफाई किया किधर कुछ छूट ना जाए।
उसके बाद म्यूजिक सिस्टम हमने चालू करके टेस्ट लिया, सेटिंग किया, JBL के स्पीकर चारों सेटिंग किया, चेक किया, पूरा होने के बाद हमने उसके ड्रम कैलिपर एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट तेरे से पैरोट कलर में पेंट कर लिए, ताकि बिठाना था हमें अलॉय व्हील, अंदर से स्पोर्टी लुक के लिए हमने उसको पेंट किया। पेंट करने के बाद 16 इंच अलॉय हमने और टायर 16 इंच उसमें फिट कर लिए। आप देख सकते हो अलॉय व्हील के अंदर का पेंट आपको एकदम स्पोर्टी लुक दे देगा। उसके बाद गाड़ी हमने लिया सिरेमिक कोटिंग को। सिरेमिक कोटिंग का प्रिपरेशन जो रहता है, रबिंग पॉलिश, रबिंग कंपोनेंट उसमें हमने पॉलिशिंग कर लिया। पॉलिशिंग करने के बाद स्टेप वन, स्टेप टू, ऐसे सभी प्रोसेस हमने फॉलो कर लिए। उसके बाद सरफेस एकदम क्लीन होने के बाद हमने उस पर अप्लाई किया सिरेमिक कोटिंग। देख सकते हो ये सिरेमिक कोटिंग। सिरेमिक का बहुत सारा एडवांटेज रहता है, गाड़ी में ग्लो बढ़ाने का काम करता है। आप देख सकते हो टेपिंग करके आपको हाफ पोर्शन दिखाया है जिसपे सिरेमिक हुआ है और एक पे नहीं हुआ है। उसके बाद गाड़ी का हेडलाइट्स नया डाल दिए, उसमें एक्स्ट्रा विजन बेल्ट डाल दिए और गाड़ी ओवरऑल पूरी तरह से आप देख सकते हो बिल्कुल नया लग रहा है, जैसे कि आज ही शोरूम से डिलीवरी लिया है। आप देख सकते हो बिल्कुल नया गाड़ी, 2010 पुराना मॉडल स्विफ्ट, अभी लग रहा है 2024 मॉडल। देख सकते हो पहले भी आपको अपने देखा है। उसके बाद कस्टमर का हम पूछेंगे रिव्यू, कस्टमर को कैसा लगा है। सर आज अपने ऑटोस्कोप कार्स प्राइवेट लिमिटेड मध्ये स्विफ्ट गाड़ी, ओल्ड स्विफ्ट आहे 2010 मॉडेल, ते आता आपण फुल पेंट केलेला आहे आणि फुल पेंट करून सरांची एक रिक्वेस्ट होती आपल्याला की फुल पेंट करा आणि त्याला सिरेमिक कोटिंग करा। तर सिरेमिक कोटिंग करून आपण गाडी घेतलेली आहे, फुल पेंट करून घेतलेली आहे। आता आपण सरांना विचारूया त्यांचा एक्सपिरियन्स काय वाटतं, त्यांना कसं वाटतंय गाडी बघितल्यानंतर, आपण काम केल्यानंतर आमच्याबद्दल काय वाटतंय, गाडीबद्दल काय वाटतंय। गाडी अपेक्षेपेक्षा जास्त सुंदर झालेली आहे आणि गाडीला आपण आतून बाहेरून दोन्ही बाजूनी हे केलेलं आहे, प्लस अलॉय व्हील आणि टायर पण टाकलेले आहेत आणि सिरेमिक केलेली आहे। तर मी एवढंच म्हणतो की गाडी मला जे एक्सपेक्टेशन होतं त्याच्यापेक्षा जास्त चांगली झालेली आहे आणि तुम्ही सगळ्यांनी एकदा ऑटोस्कोपला व्हिजिट करा।